यस एवरीबॉडी, किशन जायसवाल, ये छोटा बेबी किसका है? बहुत ही क्यूट लग रहा है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, बच्चा लेक्चर देख रहा है, क्यूट बेबी। हाय सर, आपसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं क्या? कॉल पे बात करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यस एक दिन हम अरेंज करेंगे आपके लिए, कॉल भी अरेंज करेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि डेली 400-500 कॉल्स आ जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि 11 घंटे, 10 से 11 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, तो लेक्चर्स के टाइम पे हम कॉल पिक करते नहीं है, बट एक दिन हम लोग अरेंज करेंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, चलिए एकदम आराम से शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे को बताओ, इलास्टिसिटी के हमने कितने टाइप्स देखे थे? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। कितने टाइप है इलास्टिसिटी के? तीन टाइप थे इलास्टिसिटी के। फर्स्ट वन इज वॉट? प्राइस इलास्टिसिटी। सेकेंड वन इज वॉट? इनकम इलास्टिसिटी। एंड थर्ड वन इज वॉट? क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में हमने क्या देखा था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय व्हाट? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चेंज के नीचे चेंज क्या आएगा बोलो जल्दी से? चेंज के नीचे चेंज। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय व्हाट? चेंज इन प्राइस। मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड। भाइयों और बहनों, मतलब आई मीन टू से मेरे यारो, हम हमेशा से यही बात करेंगे कि चेंज के नीचे क्या आएगा? चेंज आता है। चेंज के नीचे क्या आता है दोस्तों? चेंज आता है। सर यूट्यूब पे नहीं आया कल का वीडियो? भाई कल का वीडियो यूट्यूब पे ही लिया था, है यूट्यूब पे लिया था तो यूट्यूब पे ही रहेगा ना बाबू। ओके देन उसके बाद में इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या देखा था हमने? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। चेंज के नीचे चेंज। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल इनकम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी, ए भाई प्राइस इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी में डिफरेंस क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी में डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस ये है, क्रॉस इलास्टिसिटी में हम एक गुड्स का प्राइस देखते हैं और दूसरे गुड्स का डिमांड देखेंगे। साहिल बात समझना बेटा, क्रॉस इलास्टिसिटी में हम एक गुड्स का प्राइस देखते हैं, दूसरे का डिमांड देखते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी में सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। कौन से गुड्स होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। और इन सच सिचुएशन सपोज हम प्राइस टी का देख रहे हैं तो डिमांड फॉर कॉफी देखेंगे। प्राइस अगर टी का है तो डिमांड किसका होगा? कॉफी का होगा। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में क्या है दोस्तों? डिफरेंस है। सर टुडे यू आर लुकिंग डिफरेंट। डिफरेंट मतलब क्या? लड़की लग रहा हूँ? ए भाई सर एग्जांपल दीजिए क्रॉस इलास्टिसिटी का। मयंक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी दिया हुआ है, चाय का डिमांड दिया हुआ है सपोज 100 एंड प्राइस दिया हुआ है कॉफी का सपोज 20, तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी हो गया। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम क्रॉस इलास्टिसिटी देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं जैसे पेन और इंक, कार एंड पेट्रोल, इसमें हम क्रॉस इलास्टिसिटी देखते हैं। क्या हम साथ साथ है जन्मों के साथी? हाँ साथ साथ है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, प्राइस इलास्टिसिटी के अलग अलग टाइप है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी मेरे यारो, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी प्लीज वेरी बी वेरी क्लियर, एकदम आराम से समझते हैं, आराम से समझते हैं। सर आप पूरा सिलेबस करवाओगे यार, कैसी बातें करते हो यार, चीते की चाल बाज की नजर। और यूनिक एकेडमी के रिवीजन लेक्चर में कभी संदेह नहीं करते क्योंकि सब कुछ पूरा होता है। यस और नो? ओके आप यूट्यूब पे देख सकते हो, है ना, देर आर थाउजेंड्स ऑफ लेक्चर्स, पूरे पूरे बैचेस अपलोडेड है बेटा, है ना, पूरे पूरे बैचेस अपलोडेड है। सर कल आपने होमवर्क दिया था? हाँ जी। किया था आपने सॉल्व? ना जी। सर ये होमवर्क नाम की चीज़ है ना, हमको समझ नहीं आती है सर। होमवर्क नाम की चीज़ है ना, हमको बिल्कुल समझ नहीं आती, हम करते नहीं सर। जिनने जिनने किया है उनके लिए आई लव यू टू, जिनने जिनने नहीं किया उनके लिए ठीक है। एक बार कोई क्वेश्चन लिखेगा क्या, कोई क्वेश्चन बताएगा क्या मुझे? सर आप दो चैप्टर करवाओगे? सर सारंग सर ने आपको नगर में बुलवाया? अरे बोलना बिल्कुल। सर आप दो चैप्टर करवाओगे? पहले तीन रिकॉर्डेड देखने ना? हाँ मतलब रिकॉर्डेड देख सकते हो, वेरी गुड, अगर सिलेबस जल्दी खत्म करना है, अदरवाइज हम करवाएंगे, कराएंगे पूरा, डोंट वरी, आप टेंशन ना लो। अरे कल का एग्जाम्पल कोई रिपीट कर दो ना। इको में गया बहुत कम मार्क्स मिले सर, ज्योत्सना इस बार आग लगा देनी इको को, बहुत हो गया ये, बदला लेना। अरे क्वेश्चन तो बोलो ना यार, ऐसे थोड़ी करते हैं, क्वेश्चन देव ना क्वेश्चन देव ना। हाँ टी की क्वांटिटी डिमांडेड दी थी इसकी सास का मतलब। अरे एक मिनट रुकना बेटा, डिमांड टी का दिया था, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी वॉज 300 आई थिंक सो, है ना।
क्वांटिटी डिमांडेड टी का 300 था, कॉफी का जो प्राइस था वो 100 था ना, 10 था, 100 नहीं 10 था, कॉफी का 10 लिखा होगा, 100 नहीं लिखा होगा बेटा, पूरा लिखो सही से, लिखो सही से सर, सॉरी कॉफी की प्राइस 10 है। यस कनक 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 सर मैं कंप्लीट चुका पूरा ओल्ड लेक्चर। अरे क्या बात है प्रिंस, सुपर बड़ी, सुपर बड़ी, आई एम प्राउड ऑफ यू अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, आई लव यू बड़ी। चलिए आओ मैं वो क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका एकदम आराम से। टी का डिमांड कितना दिया हुआ है? 300। कॉफी का प्राइस दिया हुआ है कितना? 10। टी का न्यू डिमांड दिया हुआ है, न्यू डिमांड ऑफ टी, न्यू डिमांड ऑफ टी जो दिया हुआ है वो कर दिया 400, क्योंकि कॉफी का प्राइस कितना हो गया है? 12 हो गया है। एकदम आराम से कंफर्टेबल रहना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, सभी का ध्यान पूरा यहाँ पे होना चाहिए मेरी तरफ, सभी का पूरा मेरी तरफ होना चाहिए। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? क्वेश्चन तो समझ में आ गया। आइए अब इसको फॉर्मूला में डालते हैं। बोलो चेंज के नीचे चेंज, सभी लोग बताइए, पार्टिसिपेट करिए, बोलो जोर से बोलो जय माता दी, हाँ है ना। चलिए परसेंटेज, चेंज के नीचे चेंज, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड। देखो जब हम डिमांड टी की दी हुई है तो यहाँ पे टी आएगा, डिमांड की जगह टी आएगा, और प्राइस कॉफी का दिया है तो प्राइस किसका आएगा? ऑब्वियस सी बात है कॉफी का आएगा, है ना। चलिए चेंज इन डिमांड देखते हैं। टी का डिमांड 300 था, 300 से 400 हो गया, तो चेंज इन डिमांड कितना है? 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, तो कॉफी का प्राइस 10 से 12 हो गया, मतलब चेंज इन प्राइस कितना है? 2। मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितना था कॉफी का? 10। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड कितना है टी का? 300। ओके सर, तो 1000, ये दो जीरो से दो जीरो निकाल देते हैं बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा क्या? अच्छा 3 जीरो माइनस कर दिया, सॉरी 10 डिवाइडेड बाय 6 आएगा, है ना। ये 10 है, ये दो जीरो से दो जीरो यहाँ पे कट हो गए, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना आएगा? 6। तो 10 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो आंसर आएगा 1.66। आंसर कितना आएगा दोस्तों? 1.66। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी क्लियर। चलिए दोस्त जिनको जिनको ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझा नहीं, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए। जब हम बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी की, क्रॉस इलास्टिसिटी की अगर हम बात करते हैं यार ना, तो क्रॉस इलास्टिसिटी में हम डिमांड एक कमोडिटी का देखते हैं, द सेकेंड कमोडिटी का हम प्राइस देखते हैं। अब यहाँ पे चाय का डिमांड देखना है अपने को, बराबर है, और कॉफी का क्या देखना है? प्राइस देखना है। सौम्या बोल रही आई एम सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, क्या बात है बाबू, वेरी गुड सौम्या, कोई दिक्कत नहीं। आज थोड़ा सा आपको हो सकता है जग सुना सुना लागे कोई रहे ना अपना, बट थोड़े दिन में आपको आपको ऐसा लगेगा हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी हम साथ। चलिए ओके एवरीबॉडी, परसेंटेज चेंज इन सर, सोनिया, सौम्या नहीं, अरे नाम में क्या लिखा हुआ है कोई, व्हाट इज इन नेम, शेक्सपियर कह गए, सॉरी शेक्सपियर कह गए थे, नाम में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ए की जगह ई लग गया, सॉरी। आई है परसेंटेज चेंज इन टी, जमात गंदे लोग, चेंज के नीचे चेंज, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो टी 300 से 400 हो गया, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, बाबू चेंज इन प्राइस कितना है? 10 से 12 हुआ, मतलब 2 का चेंज है, मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस वॉज कितना? 10 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड कितना है टी का? 300। तो इसको यहां से मल्टीप्लाई करो, ये दो जीरो से ये दो जीरो मल्टीप्लाई होएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 6, तो आंसर आएगा 1.66। अभी किसी का आंसर 2 आया था, अबे ढोकले 3 + 2 कर दिया होगा तूने, अरे ये प्लस नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई करना है मुन्ना, तेरा तो बीएमडब्ल्यू है। एक बहुत ही फेमस अवार्ड देता हूं मैं जिसका नाम है बीएमडब्ल्यू, और बीएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म है, द अवार्ड ऑफ बीएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म है बेसिक में वांदे, क्या? बेसिक में वांदे। तो जो लोग ऐसे ऐसे बेसिक में गलती करते हैं उनको मेरी तरफ से क्या दिया जाता है? अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, बीएमडब्ल्यू अवार्ड, ये घर बैठे बैठे मिल जाएगा आपको, सबकी तालियों के साथ, सबकी गालियों के साथ मिलेगा, डोंट वरी, गालियां चलती रहनी चाहिए, हाँ है या ना। ओके अब देखो यार, प्राइस इलास्टिसिटी के बहुत सारे टाइप्स है। सी वी आर टॉकिंग अबाउट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी, एकदम
शिद्दत के साथ सुनिएगा, शिद्दत के साथ एक बार बहुत भारी तरीके से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। ऋतिक सालुंके का जो डीपी है ना, वो मेरे को सौमिल सर के डीपी जैसा लग रहा है, सस्ते सौमिल सर लग रहे हैं मेरे को, सस्ते सौमिल सर लग रहे हैं मेरे को। थोड़ा सा पतला है ना सौमिल सर, थोड़े से हल्के से, हल्के से थोड़े हैं, दाढ़ी वीढ़ी है, तो सस्ते सौमिल सर लग रहा है तू मेरे को। ऋतिक चले स्टार्ट करते हैं, सुनो एक बात समझना, इमेजिन करना ऋतिक जो है सुनसान सड़क है, मेरे साथ इमेजिन करना कि रात के 12 बजे, कितने बजे रात के 12 बजे, 12 बजे सुनसान सड़क है और इस सुनसान सड़क पे सुंदर सी कन्या दिखी है, किसको, ऋतिक को। ध्यान से सुनना अच्छे से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप मुझे बता दीजिए चलना कि रात के कितने बज गए, 12 बजे क्या है, सुनसान सड़क, सड़क पे है सुंदर सी कन्या और कन्या को देख के ऋतिक बोला मेरा मन डोला, मेरा दिल डोला, मेरा डोला, हाय ना, और उसने बोला ए आइटम चलती क्या। रात को 12 बजे लड़की को छेड़ता है ये नालायक, ऋतिक लड़की को छेड़ रहा है। लड़की ने मन ही मन सोचा रे बेवड़ा होकर रात को कहाँ मुंह लगते हैं, और चुपचाप से लड़की आगे निकल गई। क्या मुझे बताओ लड़की ने रिस्पांस दिया, कोई भी रिस्पांस दिया लड़की ने, लड़की बोले छोड़ो बोले कहाँ मुंह लगेंगे, रहन दो बोले, रास्ते में मिलते रहते हैं इससे बेवड़े लोग। ऋतिक दिल पे नहीं लगा ना, आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा ऋतिक बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ओके। सो लड़की ने भाव नहीं दिया, बोले हट, अरे हट 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 बोले, तो दिस इज व्हाट नो चेंज, मतलब वी कैन से इन सच सिचुएशन कोई भी चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। मतलब ये लड़की कैसी थी बता आपको, परफेक्टली परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक मतलब जिसमें कोई भी चेंज होता नहीं है, सस्ती नहीं होती लड़कियां। ए भैया लड़कियां सस्ती महंगी कोई बात ही नहीं होती है, लड़कियां अनमोल होती है, ठीक है। चलिए सेकेंड वन अगर हम बात करते हैं दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना, नेक्स्ट सिचुएशन, रात के 12 बजे सुनसान सड़क, सड़क पे सुंदर सी कन्या, कन्या को देख के ऋतिक बोला ए आइडम चलती क्या। लड़की को गुस्सा आ गया, लड़की ने बोला तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या, उनको जाके छेड़, मेरे को कहीं को छेड़ रहा है, बताओ क्या मैं बोल सकता हूँ इन सच सिचुएशन। लड़की ने रिस्पॉन्स तो दिया, लेकिन कब रिस्पॉन्स दिया भाई, अगर रात को लड़की छेड़ तो एक थप्पड़ तो बनता है मतलब बनता है यार, इतना तो बनता है, उनका हक बनता है, लेकिन उस लड़की ने कम रिस्पांस दिया, जितना देना चाहिए था रिस्पांस उतना रिस्पांस नहीं दिया। मतलब मैं बोल सकता हूँ चेंज कैसा है, लेस चेंज है, मतलब द गर्ल इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। दोनों में डिफरेंस क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक में डिफरेंस क्या है बताइए। परफेक्टली इन इलास्टिक में नो चेंज एट ऑल या वेरी इनसिग्निफिकेंट चेंज, नो चेंज और वेरी इनसिग्निफिकेंट चेंज, लेस चेंज में थोड़ा चेंज है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं है, चेंज है लेकिन कम है, लेकिन कम है। तीसरा सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, अगेन सुनसान सड़क, सड़क पे सुंदर सी कन्या, कन्या को देख के ऋतिक बोला ए आइटम चलती क्या, यस और नो, हाय ना, और उस आइटम ने एक चमाट मार दी, जाता क्या बोले यस और नो, सट के थप्पड़ चिपका दिया भैया एक, और इतना तो बनता भी है। मुझे बताइए इस बार उस लड़की ने क्या दिया, इक्वल चेंज दिया, यस और नो, समथिंग दिस इज कॉल्ड एज इक्वल चेंज, को हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी मतलब इक्वल, यूनिटरी इलास्टिक। थर्ड सिचुएशन, पहले इसमें क्या था, एक बार मेरे साथ एक्शन करके करोगे तो मजा आएगा, बोलो पहले मैं बोलो नो चेंज, ऐसा हाथ हिला के बताओ, नहीं नहीं ऐसा बताना है आपको तो मजा आएगा, कनायक बता जल्दी से, लोग भले पागल के हुए तो कोई दिक्कत नहीं अपने को, पहला है नो चेंज, दूसरा है लेस चेंज, ऐसा करो, ऐसा करण जोहर जैसे, ऐसे मत करो, ऐसे करो लेस चेंज, तीसरा इक्वल चेंज, है ना इक्वल चेंज। फोर्थ वन देख गया, अगेन फोर्थ सिचुएशन, सुनसान सड़क, सड़क पे सुंदर सी कन्या, कन्या को देख के ऋतिक बोला ये आइटम चलती क्या, आइटम ने 4-5 थप्पड़ मार दिया, 4-5 थप्पड़ चिपका दी। मुझे बताइए चेंज मोर था या लेस था, मोर चेंज, इस बार बंदी बहुत ही एकदम खतरनाक, मोर चेंज, और मोर चेंज को हम बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। देखो ना एकदम सिंपल है, अगर लेस चेंज है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक है, और मोर चेंज है तो रिलेटिवली इलास्टिक होगा। लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, सुनसान सड़क, सड़क पे सुंदर सी कन्या, कन्या को देख के
लड़का कुछ नहीं बोला। ऋतिक तो बेचारा इतना मासूम है, वो खुद अपना ऐसा ऐसा जाके जा रहा था, बोले कहीं मेरा वरण धवन ना हो जाए, मतलब कहीं मेरी इज्जत कोई लूट ना ले। वो तो खुद बेचारा डर डर के सहम सहम के जा रहा था। उस लड़की ने ऋतिक को देखा, बोले ये तो दिखने में ही डेंजर है, बोले ये तो मेरा बिल्कुल मेरे को बिल्कुल छेड़ेगा ही छेड़ेगा। लड़की ने क्या किया, आई सटासट थप्पड़ मारना चालू किया, सैंडल से मारा, थप्पड़ से मारा, जूतों से मारा, चप्पल से मारा, लातों से मारा, गुस्से से मारा, और पुलिस को फोन भी कर दिया। पुलिस को फोन भी कर दिया, बोले ये मेरे को छेड़ने वाला था। भाई ये क्या होता है चेंज, इस बार बताइए चेंज कैसा है? अनलिमिटेड चेंज, चेंज बहुत ज्यादा रे, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। देखो पहला था नो चेंज तो परफेक्टली इलास्टिक, अनलिमिटेड चेंज तो परफेक्टली इलास्टिक। ऐसे पांच टाइप के देखो, अब ध्यान रखना, लड़की जो है वो डिमांड है। लड़की क्या है? डिमांड है। अरे डिमांड है मतलब ओ ढुकले, डिमांड का मतलब होता है कि लड़की, समझना इमेजिन करना, लड़की क्वांटिटी डिमांड है। तो पहले चेंज में क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है। प्रथमेश जोशी बोल रहा है हाय शुभम, हाय शुभम, हाय शुभम, हाँ जी। दूसरे में लड़की ने कम, मतलब डिमांड में कम चेंज हुआ। अब मैं आपको एक एक पांचों सिचुएशन बताता हूँ, आप मुझे बताना कौन सा टाइप है। देखना प्राइस में 10% से चेंज है और क्वांटिटी डिमांड में 0% पे चेंज है, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है, बताइए ये क्या है? नो चेंज, नो चेंज, परफेक्टली, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या बात है, सुपर्ब, नो चेंज, परफेक्टली, पूरा लिखना है रे बेटा, पूरा लिखना है, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, क्या बात है, सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। एक और बताता हूं, समझना, समझो प्राइस में 10% से चेंज है और क्वांटिटी डिमांडेड में भी 10% से चेंज है, ये कौन सा है? इक्वल चेंज, मतलब यूनिटरी इलास्टिक, क्या बात है दोस्तों। सर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का जवाब दो, आपने कितने अटेम्प्ट में सीएस क्लियर किया था और कहां से और कौन सी कोचिंग, प्लीज बताओ। कपिल भैया मैंने यूनिक एकेडमी से ही किया है, यूनिक एकेडमी पता है ना आपको, यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स है, आशीष सर पढ़ाते थे हमको, उन्हीं के साथ मैंने सीएस कंप्लीट किया है बेटा। एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट, फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट, प्रोफेशनल फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, बाकी तो क्या है, भगवान की दया है, एक दूसरे का क्या ही बोले अभी, ठीक है। चलिए तो ये इक्वल चेंज है, इक्वल चेंज मतलब यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा एक और चीज बताता हूं मैं आपको, सुनना जैसे, एक और चीज बताता हूं मैं आपको दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना, क्या हुआ बात समझना। दिव्यांशी ने एक बंदे को मैसेज किया, दिव्यांशी ने देखा इधर जूम पे कौन बंदे अच्छे लग रहे, मस्त देखा और एक बंदे को मैसेज किया। शिवम बोलता है हाँ साले तेरे को मैसेज किया गया, नॉनसेंस। ओके दिव्यांशी ने एक मैसेज किया, हाय हाउ यू, लड़के ने बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैसेज ओपन किया और छोड़ दिया। लड़का देखो सख्त लौंडा, एकदम सख्त लौंडा, बताओ बताओ ना मुन्ना ये क्या है, मुन्ना ये कौन सा चेंज है, कम ऑन एवरीबॉडी, कौन सा चेंज है ये? सुरेश बोल रहा है मुझे करो, इग्नोर कर दिया, मतलब ये कौन सा, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, क्या बात है, क्या बात है, परफेक्टली इन इलास्टिक, सुपर। सोचिए सिद्धार्थ कुचाला, सिद्धार्थ भाई ने किसी लड़की को मैसेज किया, हाय हाउ आर यू, और उस लड़की ने भाई 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 हाय हाउ आर यू, जितना सिद्धार्थ ने मैसेज किया उतना उस लड़की ने भी मैसेज किया, आग इक्वल लगी है, बराबर लगी है, ये बताइए क्या है, यूनिटरी इलास्टिक, सुपर, 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 सुपर। अच्छा थर्ड सिचुएशन ये बताना क्या है, थर्ड सिचुएशन बताना। सर फिर से रिपीट करो ना, मेरा नेटवर्क इशू था। साक्षी, आई मीन टू से सॉक्सी, आई मीन टू से सेक्सी, आई मीन टू से सॉरी साक्षी, बेटा साक्षी सुन, तेरे नाम का पोस्टमार्टम हो गया रे यहाँ पर, ठीक है बता देते हैं फिर भी। साक्षी बेटा सोच, तूने किसी लड़के को मैसेज किया, गलती से मैसेज चला गया एक्चुअली, और गलती से मैसेज चला गया और तूने मैसेज में लिख दिया था कुछ ऐसे 143, और उस लड़के ने भाई साहब रिप्लाई, गलती से गया उस लड़के ने मैसेज, आई लव यू टू, आई मिस यू,
मैं मतलब तेरे बिना रह नहीं सकता। मैं हर बार मैं तेरे से शिद्दत वाला प्यार करता हूँ। मेरे जैसा खुश तेरे को कोई नहीं रखेगा। मैं तेरे लिए चांद धरती पे ले आऊंगा, सूरज में आग लगा दूंगा। पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। बताइए ये कौन सा है, वो लड़का क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक, यस, ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है, ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, करेक्ट है, करेक्ट है। अभी उसी को डिमांड में देखते हैं अपन, अभी उसको डिमांड में देखते हैं। सोचो प्राइस सेम है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा बदल गई, इतनी ज्यादा बदल गई क्या बताऊं, मतलब डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज है, अनलिमिटेड चेंज है। तो ये बताओ क्या है, ये कौन सी इलास्टिसिटी है? एक्चुअली मोदी सर का, स्वामी सर का लेक्चर भी है, तो एक 5 मिनट और लेता हूँ मैं, फिर स्वामी सर को हवाले करता हूँ मैं आपके। ये क्या है? परफेक्टली इलास्टिक, क्यों? अनलिमिटेड चेंज है, परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा दूसरा, प्राइस 10 रुपए से लेके 20 रुपए हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड 100 था, अभी भी 100 है। स्वामी सर ने बोला इस वीक नो क्लास। अच्छा स्वामी सर क्लास नहीं किया? अरे वाह वाह वाह, स्वामी बेबी कहाँ गए हैं, हमें छोड़ के अकेले अकेले कहाँ गए हैं? स्वामी बेबी आप कहाँ जा रहे हो? जनता वॉन्ट्स टू द, देश और दुनिया जानना चाहती है, स्वामी बेबी आप कहाँ हो, अकेले अकेले किसके साथ गए हो आप? सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्यों? क्योंकि कोई भी चेंज नहीं है, परफेक्टली इन। शादी में गए हैं वो, शादी में गए हैं या शादी करने गए हैं, इसका पता लगा लेना। पता नहीं कितने लोगों के दिल टूटेंगे, चकनाचूर दिल के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं बहुत लोगों के, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, आपका शुभ चिंतक हूं मैं, नाम ही मेरा शुभम है, देखो तो मैं आपका शुभ चिंतक हूं। सर की दूसरी शादी, सर की पहली शादी कब हुई थी बे? सौम्य सर को ऐसा बदनाम नहीं करते बेटा, शादी में अपने लिए लड़की देखने गए हैं। हाँ ये हो सकता है, लड़की देखने गए हैं। अच्छा बेटे ओके, एक और एग्जांपल तो सो देखो यार, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी के कितने टाइप है बेटा? 5 टाइप है। कौन से? पहला है परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम बात करें, सो परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज इन डिमांड, नो चेंज इन व्हाट? डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब नो चेंज इन डिमांड। दूसरा है रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब होता है लेस चेंज इन डिमांड, लेस चेंज इन डिमांड। थर्ड वन है यूनिटरी इलास्टिक, और यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है इक्वल चेंज इन डिमांड, इक्वल चेंज इन डिमांड। फोर्थ वन है रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक को हम बोलते हैं मोर चेंज इन डिमांड। एंड द लास्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक, और परफेक्टली इलास्टिक को हम बोलते हैं इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड। क्या तुम्हें याद है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज होना, यस साक्षी एकदम बराबर है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज होना। मोर इलास्टिक मतलब मोर चेंज, लेस इलास्टिक मतलब लेस चेंज, इक्वल इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक मतलब इक्वल चेंज, ठीक है। एकता ना, एकता अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी, पता नहीं एकता को क्या हुआ, एकदम से अपनी फ्रेंड को थप्पड़ मार दी उसने, एकदम से थप्पड़ मार दी एकता ने, उसकी फ्रेंड ने 4 थप्पड़ मारी। बताइए ये कौन सा टाइप है? रिलेटिवली इलास्टिक, इनफाइनाइट या अनलिमिटेड बोल सकते हो, यस ये रिलेटिवली इलास्टिक है, मोर चेंज, लड़की में चेंज ज्यादा है भैया। अच्छा दूसरा सिचुएशन, श्रुति बोले आप इग्नोर कर रहे हो सर, आपने फॉलो बैक नहीं किया। अरे कर देंगे फॉलो बैक की क्या बात है यार, टेंशन क्या ले रहे हो सर आप? आपने सीएस के लिए पुणे गए थे? हाँ पुणे, पुणे में था मैं। अच्छा अभी सुनो 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 क्या हुआ मालूम, कनक ना कनक अपने फ्रेंड को मारने ही वाली थी,
बस मारने ही वाली थी अपने फ्रेंड को। फ्रेंड लड़की है बेटा, ठीक है ना, बाकी लोग गलत समझ रहे हो, फ्रेंड लड़की है ये, और लड़की है इसका मतलब ये नहीं कि 377 है, होगा तो भी मुझे पता नहीं, जो भी है। तो कनक ने क्या किया सुनना अच्छे से, कनक ने बस ऐसे करने वाली थी, सब मारने वाली थी, तो सामने उसकी फ्रेंड ने 7-8 थप्पड़ मार दिए, और उसकी मम्मी ने भी बोल, मम्मी को भी बता दिया कि देखो आंटी आपकी लड़की मेरे को मारने वाली। ये बताइए कौन सा है, परफेक्टली इलास्टिक। हाँ चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सोचना थोड़े अपने घुटनों पे जोर डालना। सॉल्ट, सॉल्ट के केस में डिमांड कैसी होगी, रिलेटिवली मतलब नो चेंज, रिलेटिवली इलास्टिक मतलब लेस चेंज, परफेक्टली इलास्टिक मतलब लेस चेंज। सोचिए सॉल्ट के केस में, नमक के केस में क्या होगा, नमक के केस में डिमांड कैसा होता है, यूनिटरी। वाह बेटा, मतलब सर अगर नमक का प्राइस कम हो गया तो लोग नमक का डिमांड बढ़ा देते हैं, ऐसा साक्षी सोच, साक्षी सोच नमक बहुत सस्ता हो गया तो क्या साक्षी तू नमक का टिफिन लेके जाएगी, आज तो डब्बे में मैं टिफिन में क्या लेके आई हूं, नमक लेके आयूंगी, आज तो हम बैठ के नमक खाएंगे, ऐसा ऐसा तेरी सासू का माथा, ऐसा करेगी तू नहीं करेगी। सेकेंड वन दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना, सेकेंड वन, नमक अगर बहुत महंगा हो गया तो क्या नमक खाना बंद कर दोगे कि आज तो हम बिना सब्जी, बिना नमक की सब्जी खाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। मतलब नमक जितना आप डिमांड करते थे, सपोज आपको पैकेट लगता है नमक का, एक पैकेट आपको नमक का लग रहा था, उतना ही आपको लगेगा, मतलब नो चेंज, और नो चेंज मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। हाँ है ना। सेकेंड वन सर स्टिल कंफ्यूजन है, साक्षी बेटा नमक में मुझे एक बात बताओ क्या नमक के डिमांड में चेंज होगा, आप खुद सोच के बताओ नमक के डिमांड में आप चेंज करोगे, नमक खाना बंद कर दोगे अगर नमक का प्राइस है बढ़ेगा तो, नहीं करोगे ना, और जब नहीं करोगे तो डिमांड में कोई चेंज ही नहीं है, नो चेंज इन डिमांड, नो चेंज इन डिमांड को ही क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। सर सीएस एग्जीक्यूटिव ऑफलाइन क्लासेस में कोई कंसेशन नहीं क्या मिल सकता, साक्षी बेटा कंसेशन तो ऑफिस में ही बात करना पड़ेगा बेटा, आई एम नॉट द राइट पर्सन, क्या है मैं तो खुद जॉब करता हूं, 500 रुपये मेरे को दिन के मिलते हैं, बस 15,000 रुपये मेरी सैलरी है, तो मैं क्या ही कंसेशन दूं बताओ आप, बहुत बहुत गरीबी है बेटा, गरीबी में दिन काट रहे हैं भैया क्या करें, चलिए ठीक है। ओके नहीं नहीं बेटा एक्चुअली फीस मुझे पता भी नहीं है फीस कितनी है, बार आपको ऑफिस में ही बात करनी पड़ेगी, दैट फीस का पूरा सोर्स जो है वो क्या कर दिया आपको, आउटसोर्स कर दिया है। सर नवी मुंबई कब आ रहे हैं, नवी मुंबई बेटा साक्षी जब आप बुलाओगे, जब आप डिनर के लिए इन्वाइट करोगे तब आ जाएंगे बेटा, जब आप बुलाओगे। ओके अब अगली बात, अगली बात, अगली बात सुनना अच्छे से, नेक्स्ट सिचुएशन सुनो सुनो सुनो, कोविड की वजह से, किसकी वजह से, कोविड की वजह से मास्क का प्राइस समझो 10 रुपए ही था, कोविड के बाद में भी 10 था, लेकिन कोविड की वजह से अचानक से पहले 100 लोग मास्क खरीदते थे, अब 10,000 लोग मास्क खरीदने लग गए, ये क्या हो गया। सर क्या पका रहे हो, 15,000 सैलरी, हाँ सुरेश मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, 15,000 ही सैलरी मेरी, बाकी सब प्रॉफिट मिलता है रे, बाकी सब प्रॉफिट मिलता है। चलिए दिस इज परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली नहीं, ये परफेक्टली इलास्टिक है, क्यों मालूम, क्योंकि प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं है और डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज है, आप देखोगे तो 100 टाइम्स चेंज हो गया बेटा, 100 टाइम्स चेंज हो गया, अनलिमिटेड चेंज है, दिस इज, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। चलिए सो आप एकदम आराम से सुनना बेटा, आराम से सोचना, पहला अगर डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है, डिमांड को पकड़ो आप, नो चेंज इन डिमांड होगा ना तो इसको हम क्या बोलेंगे, नो चेंज इन डिमांड को हम बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। डिमांड पे ध्यान दो, अगर डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है तो परफेक्टली इनइलास्टिक, अगर डिमांड में लेस चेंज है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक, और डिमांड में अगर इक्वल चेंज है, बराबर का चेंज है तो यूनिटरी इलास्टिक, और अगर ज्यादा चेंज है, मोर चेंज है तो रिलेटिवली इलास्टिक, और अनलिमिटेड चेंज है तो परफेक्टली इलास्टिक। सो दीज ऑल आर दी, प्रथमेश जोशी सर आज मीटिंग होने वाली 2 बजे मीटिंग, अरे हाउ मीटिंग होने वाली थी एक्चुअली, शायद से कुछ लेक्चर में ही रह गए हम लोग, नहीं ले पाए हम लोग, अनाउंस करेंगे वापस से। सर प्राइस का रोल क्या, प्राइस का रोल ये है, जब हम बात करते हैं नो चेंज इन डिमांड, तो प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए, प्राइस में कितना भी चेंज हो, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है,
लेस चेंज इन डिमांड। तो कंपैरिजन करोगे ना तो प्राइस और डिमांड के कंपैरिजन में डिमांड में कम चेंज है। देखते हैं, एक एग्जांपल देता हूं मैं, सुनो। प्राइस में 10% से चेंज है और क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं है, 0% से चेंज है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक, सॉरी परफेक्टली इनइलास्टिक। नो चेंज ना, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली एकदम परफेक्टली क्या है, इनइलास्टिक है। हाँ सर, एक मिनट रुकना बेटा। सर आप इंदौर आना तो बताना, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक मिनट, मोदी सर का फोन आ रहा है। हाँ सर, हाँ जी, आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं है, CSEET का रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया है? अच्छा, एक चीज मुझे और बताओ, एक चीज मुझे और बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने CSEET का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है लेकिन फिर भी यूनिक से कॉल या मैसेज नहीं आए हैं? प्रियांश सुराना मेरे को एक दिख रही है, मानस मेरे को दिख रहा है, फिर से एक बार मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, सुनो। बाकी लोग एक मिनट कमेंट मत करो, एक सीरियस मैटर है, प्लीज सुनो। सीरियस एक काम चल रहा है बेटा, एक मिनट रुको। मुझे एक बात बताइए, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया लेकिन आपको यूनिक से कॉल या मैसेज नहीं आए? सिर्फ उन्हीं ने, प्लीज जेन्युइन आंसर करना। अरे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है लेकिन कोई भी कॉल और मैसेज नहीं आया, सिर्फ उसी ने मैसेज करना है। तो ऐसा पूरा लिख के भेजो, एक बार ऐसा पूरा लिख के भेजो कि मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया लेकिन कोई कॉल नहीं आया। रजिस्ट्रेशन डन, नो कॉल नो मैसेजेस, रजिस्ट्रेशन डन नो कॉल नो मैसेजेस, ऐसा पूरा लिखो प्लीज। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। एग्जीक्यूटिव के लिए मैसेज आया था, ओके, चलिए। एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं, अपन अपने सिलेबस पे आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ यूनिक के ही क्लासेस लूंगा, अदर के क्लासेस नहीं लूंगा। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो तुम भैया अपने हो, तुम्हारी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक सर्वे कर रहे हम लोग, बिकॉज वी डिड द मार्केटिंग टीम, जो वो उसको आउटसोर्स किया है, वी आर हायरिंग सम एजेंसी एक्चुअली, तो उसको एक सर्वे चल रहा है हम लोगों का, ठीक है। चलिए, एनी वेज, यहाँ तक की बातें डन है क्या? अब देखो यार, सेकेंड सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ। सोचो प्राइस में जो है ना 10% से चेंज है और क्वान्टिटी डिमांडेड में सिर्फ 5% से चेंज है, ये क्या होगा? यह है रिलेटिवली इनइलास्टिक, करेक्ट है, क्योंकि लेस चेंज है। आप देखो प्राइस और डिमांड को कंपेयर करो, डिमांड में कम चेंज है ना, रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। सोचो प्राइस 10%, डिमांड में भी 10% इक्वल, ये क्या है? यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। समझो प्राइस 10% लेकिन डिमांड 15%, ज्यादा चेंज है, ज्यादा चेंज है, तो रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। सर एग्जीक्यूटिव की ऑनलाइन क्लासेस से पक्का पास हो जाते हैं? 750 स्टूडेंट पास हुए हैं, 750 स्टूडेंट पास हुए और 6 लोगों को ऑल इंडिया रैंक आया अपने एकेडमी से और 5 लोग अपने सिटी के टॉपर हैं। भैया आप बैनर देखिए लास्ट वाला, और इसमें तो कितने व्यक्ति ऐसे जिनका नाम ऐड नहीं हुआ अभी तक। चलिए लास्ट, डिमांड प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है लेकिन डिमांड में लेट से 30% का चेंज हो गया, अनलिमिटेड चेंज, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो आप प्राइस और डिमांड को कंपेयर करके क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि ये कौन से टाइप है। बाकी की बातें हम कल के लेक्चर में करेंगे, जहां पे हम डायग्राम निकालेंगे बहुत सारे।
ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं एक नए जोश और नए जुनून के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स, लव यू गाइस।